नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक कॉर्न की सब्जी। तो उसके लिए देखिए, लिया है मैंने पालक, ये ग्राम से 500 ग्राम पालक है। ये मेरे ही किचन गार्डन का पालक है, छत का पालक है। तो इसको पहले ब्लांच करूँगी, और उसके ब्लांच करने के लिए देखिए मैंने पानी ये रखा है उबलने के लिए। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, इससे टेस्ट बढ़िया हो जाता है। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि पालक में भी नमक नेचुरल नमक होता है। और ये आधा चम्मच चीनी है, इससे कलर अच्छा रहता है, बिल्कुल ग्रीन कलर का रहेगा कलर। अब इस पानी को उबल जाने देते हैं, फिर पालक को डालेंगे। ये देखिए पानी उबल गया है, बिल्कुल उबल गया है। तो मैं इसमें डाल दूँगी पालक, और बिल्कुल 2 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी, ताकि ब्लांच 2 मिनट के लिए ही किया जाता है और उससे कलर अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल पकाना नहीं है। ये देखिए इस तरह से सारा डाल दूंगी। ये देखिए इसमें बस बॉयल आने वाला है, जैसे ही बॉयल आता है तो मैं इसको निकाल दूंगी, क्योंकि हमें पकाना नहीं है इसको। कलर अच्छा आएगा उससे, ज़्यादा पक जाएगा तो कलर अच्छा नहीं आएगा, गल जाएगा ये। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, 2 मिनट हो गए हैं, देखिए उबल रहा है, ये हल्का सा उबल रहा है। गैस बंद कर देती हूँ और मैं सारा निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारा, ये देखिए मैंने बर्फ़ वाला पानी ले लिया है ताकि इसका कुकिंग तुरंत रुक जाए, इसलिए बिल्कुल ठंडा पानी है और इसमें थोड़ा बर्फ़ भी है, तो ये कुकिंग रोकने के लिए ठंडा पानी लेते हैं ताकि आगे पकना बंद हो जाए। ये देखिए इस में इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं और निकाल लेते हैं निचोड़ करके। ये देखिए इस तरह से इसका पानी निकाल लेंगे इसमें से, ये देखिए इस तरह से, और इसको पीसेंगे। ये देखिए अब मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, उसमें डालती हूँ मैं इतना सारा धनिया। ये धनिया का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, जब पालक और कॉर्न बनेगा तो बहुत ही बढ़िया आएगा ये पालक में। तो ये डाला, और ये 2 मिर्च लिया है मैंने, ये दोनों मिर्ची को काट करके डाल दूँगी, और ये जो पालक है इन सबको पीस दूँगी इकट्ठे, सबको पीस करके रखती हूँ मैं अभी। ये देखिए हमारा ये जो पालक और धनिया था जो पीस कर तैयार हो गया है, पालक धनिया और मिर्ची बहुत ही अच्छा पीसा है, ये देखिए इस तरह से। और बहुत देर तक नहीं पीसना है इसको, जैसे होता है बहुत देर तक चलाएंगे ना तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और मैंने जो पालक लिया था तो मेरे घर का पालक था, बहुत ही नाजुक सा था उसका डंडी, और आप बाहर से पालक लाते हैं तो मोटे मोटे डंडी वाले पालक ना लें तो उसका अच्छा बनेगा, नहीं तो रेसे आएंगे खाने में मुँह में। तो ये तो हमारा तैयार हो गया, और ये देखिए हमने कॉर्न लिया है, तो कॉर्न में मैं ये फ्रोजन कॉर्न है तो मैं इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ये। अब मैं करती हूँ गैस ऑन, ये देखिए, और इसको गर्म होने देती हूँ पहले, फिर ऑयल डालूँगी। ये देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, मैंने इसमें 3 चम्मच तेल डाला है, और इसी समय मैं डाल दूंगी, ये देखिए लाल मिर्ची है तो लाल मिर्ची को बिना तोड़े मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से, और फ्लेम लो मीडियम में कर देती हूँ मैं, और इसको ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद मैं इसको इसी समय निकाल दूंगी। ये देखिए इसका इस मिर्च का कलर बहुत ही अच्छा हुआ है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में, और इसी समय मैं डालती हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा है, ये देखिए, और जीरा को थोड़ा तड़कने देते हैं, और उसके बाद ये डालूंगी लहसुन, 10-12 कलियां है ये, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ। अब हो गया है वो, अब इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, लहसुन को ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा पालक में ब्राउन हो जाएगा तो। ये देखिए मेरा लहसुन जो है ब्राउन हो गया है, इसमें से थोड़ा सा लहसुन निकाल लेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसी मिर्च में रख देंगे इस तरह से। और अब इसी समय मैं डालूंगी ये प्याज है चॉप किया हुआ बारीक बारीक, इसको भी डाल देती हूँ, और
हाई फ्लेम कर देती हूँ। प्याज डालने के बाद हाई फ्लेम करना होता है क्योंकि प्याज में होता है पानी, तो थोड़ा सा कुक करने में टाइम लगता है। तो ये देखिए मेरा चॉप किया हुआ प्याज भून कर हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। ये दो मीडियम आकार का प्याज था और इसी में इसी समय मैं डाल देती हूँ एक चम्मच बेसन है। ये बेसन जो है ये पालक को बाइंडिंग देगा थोड़ा, जो अलग अलग दिखता है ना पालक और पानी उसका, वो ये अलग अलग नहीं दिखेगा, इसका बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और बाइंड रहेगा आपस में। ये देखिए मेरा गैस जो है लो मीडियम में था, अब ये देखिए भून गया है, बेसन भी भून गया है और हमारा प्याज था वो भी भून गया है। इसी समय ये देखिए चॉप किया हुआ एक इंच का अदरक का टुकड़ा है, तो इसको चॉप किया हुआ है ये भी डाल देती हूँ। और इसी समय मैं कॉर्न भी डाल दूँगी, ये कॉर्न है तो फ्रोजन कॉर्न है था ये। और इसी समय मैं डाल देती हूँ ये हल्दी है, थोड़ा सा हल्दी है, बहुत नहीं है, इसमें बिल्कुल पूरा कलर नहीं आएगा हल्दी का, हल्का सा इसमें आएगा। तो ये चला देती हूँ। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है तो इसे भी डाल देती हूँ इसी समय। ये देखिए ये 3 से 4 मिनट भूनते हुए हो गया है, देखिए अच्छी तरह से भून गया है ये कॉर्न, और मेरा कॉर्न जो है देखिए आयल छोड़ रहा है इस तरह से। अब इसी समय मैं डालूंगी पालक जो मैंने देखिए पीसा था, पालक धनिया मिर्ची ये डाल दूंगी। इसकी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका ढक्कन खोलने के बाद ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पालक का खुशबू तो होता ही है लेकिन धनिया का खुशबू और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने सारा पालक डाल दिया है और ये जो पालक मैंने पीसा था तो उसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया था मैंने, बिना पानी का ही पीसा हुआ है और पीस जाता है अच्छी तरह से। और यदि पानी डालेंगे ना तो फिर सुखाने में भी टाइम लगेगा इसको पकाने में, और बहुत गंदा करता है ये चूल्हा वगैरह, इसका जो छींटा पड़ता है उससे, तो इसीलिए मैंने पानी नहीं डाला था और जल्दी कुक भी हो जाएगा। तो अब इस पालक को मैं लो मीडियम पे 2-3 मिनट तक कुक करूँगी अच्छे से, क्योंकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल निकल जाए, तो 2-3 मिनट मैं कुक कर लेती हूँ। ये देखिए इसी समय मैं नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक पालक में नमक होता है, नेचुरल नमक होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है और ये देखिए इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हो गई है, ये देखिए इस तरह से। अब इसी समय मैं डाल दूंगी, ये गर्म पानी है, जब भी कभी गर्म सब्जी में डालें तो गर्म पानी ही डालें, और यदि ठंडी सब्जी है तो उसमें ठंडा पानी डालते हैं, लेकिन ये गर्म है तो गर्म ही पानी डालेंगे। ये देखिए अपने हिसाब से रखिए अपना कि कितना आपको रखना है, गाढ़ा या पतला उस तरह से। ये देखिए मेरा तैयार हो गया है, देखिए इसका इस तरह से मैंने रखा है इस तरह से। और मैंने इसमें 1 कप गर्म पानी लिया था तो आधा कप लगा है इसमें, आधा कप मैंने बचा लिया है। और इसी समय मैं डालूंगी एक क्रीम, ये देखिए क्रीम है, तो क्रीम को मैं डाल देती हूँ इस तरह से। क्रीम मेरे घर का ही क्रीम है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से क्रीम डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसी समय अब ये हो गया है, अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ मैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इस तरह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है इस तरह से। अब मैं देखिए करती हूँ क्या, ये देखिए जो मैंने निकाला था उसमें से फ्राई किया हुआ, इसको इसमें कूट लेती हूँ, ये मेरा खल है, इसमें कूट लेती हूँ सारा, और कूट कर बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए गरम गरम अभी है, इसी में मैं हल्का सा जायफल इसमें से ये कर देती हूँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसी में कद्दूकस से महीन वाला से मैं कर देती हूँ, इसको हल्का सा करेंगे, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है ना कि आप खुश हो जाएंगे इसको खा करके। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसको मैं, ये देखिए मैं कूट लेती हूँ जो मिर्च था और ये लहसुन। गैस पर मैं रख रही हूँ तड़का के लिए पैन,
अब इसको गर्म होने देती हूँ। देखिए मैंने इसमें बटर के टुकड़े डाल दिए हैं और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी, ज़्यादा जलाऊँगी नहीं। इस तरह से इसी समय इसको हमें जलाना नहीं है, इसी समय ये देखिए कसूरी मेथी है, इसको मैं हल्का सा रगड़ करके इसमें डाल दूँगी इस तरह से, ये देखिए, और इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखिए जो मैंने कूटा था मिर्ची और लहसुन को, ये भी इसमें मिक्स कर दूँगी इस तरह से अच्छे से। और अब देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, और इसमें डाल दूँगी इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से डाल दूँगी। अब ये बिल्कुल हो गया है तैयार। ये देखिए जैसे मैंने तड़का डाला है, इसको इसका ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि पूरी तरह ये हमारे सब्जी में उसका खुशबू आ जाए। कॉर्न पालक तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है। लोग पालक पनीर बनाते हैं लेकिन पालक कॉर्न नहीं बनाते। एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हरी भरी पालक का बनाइए और खाइए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।